प्रियंका, अभी जैसे आपने मेंशन किया कि आप पंजाबी फिल्में बना रही है, मराठी फिल्म तो है ही है, इसके साथ साथ हमने देखा है कि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी रिलेटेड कई फिल्में बना रही हैं। जानना चाहते हैं कि इस रीजन की तरफ आपका रुझान कब आया और यहाँ की फिल्मों को, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आप किस तरह से आप आगे बढ़ने वाली हैं? वेल, एक्चुअली मैंने बहुत वक्त बिताया है, मेरे बड़े पापा, मेरे फूफा पोस्टेड थे गुवाहाटी में, मैं जा चुकी हूँ। जब मैं मॉडलिंग कर रही थी, आपको पता होगा या नहीं, गुवाहाटी का फैशन सीन बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो मैंने बहुत सारे शोज़ वगैरह भी किए थे। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, ऑल द लाइक द सेवन सिस्टर्स, बहुत ही ब्यूटिफुल ऑल द स्टेट्स। लेकिन जब मैं मैरी कॉम कर रही थी और मैं शूटिंग कर रही थी उस फिल्म की, तो और जब मेरी से मेरी बातें हुई और असम गई मैं, तो एक तरह से इग्नोर्ड है वो रीजन हमारे देश का, अनफॉर्चुनेटली। एंड व्हेन आई डिड मेरी कॉम, आई रियलाइज दैट कि व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट, व्हेन इट कम्स टू टैलेंट, एक तरह से इतना बढ़ावा नहीं मिलता है। सो दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू मी टू वर्क विथ असम। हमने सिक्किम की फिल्म की है, हम असम की फिल्म कर रहे हैं। ऑफकोर्स मैं एम्बेसडर हूँ उनके, उनके साथ गवर्नमेंट के साथ वी कीप वर्किंग ऑन ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल्सो फॉर टूरिज्म एट्सेट्रा। अभी रिसेंटली फ्लड्स भी हुए थे, सो वी हैव बीन इन कॉन्वर्सेशंस अबाउट व्हाट वी कैन डू, तो विच हैपन्स एवरी ईयर इन असम। लेकिन यू नो देर इज समथिंग दैट देर इज अ सिस्टम दैट कैन बी ब्रॉट इन। तो मेरे लिए जस्ट माई हार्ट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू, मेरा थोड़ा सॉफ्ट हार्ट है, तो जब मुझे ऐसा फील लगा व्हेन आई वेंट टू द नॉर्थ ईस्ट एंड आई फेल्ट लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे शुड बी गिवन दैट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट।